हेलो, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो 4 अगस्त का फर्स्ट लॉट का एग्जाम हो गया है, इसी के एनालिसिस के साथ हम आए हैं। 3 इयर्स का ये एग्जाम था MSCET लॉ का। पहला क्वेश्चन यही था कि ये सेक्शन वाइज था या जंबल था, तो आंसर है ये स्ट्रिक्टली सेक्शन वाइज था। एक भी क्वेश्चन जो हमें सेक्शंस में भी जंबल नहीं दिखा, जो एक दो क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में आ रहे थे वैसा इस स्लॉट में नहीं हुआ। इजी टू मॉडरेट ये पेपर था ओवरऑल। कल के जो स्लॉट्स हुए उनके कंपेरिजन में थोड़े इजी इस पेपर को माना गया। इसका जीके करंट अफेयर्स भी इजी आया था। लीगल की अगर हम बात करें सो लीगल में लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था। प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले 3 to 4 क्वेश्चन थे, लेकिन सभी मैनेजेबल थे। बी एडुकेयर के जो स्टडी मटेरियल मॉक्स में जो हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं लगभग उसी लाइन पे क्वेश्चंस आए हुए थे। सारे ही लगभग सब्जेक्ट जो थे उनका एक मिक्स हमें देखने को मिला। अनलाइक कभी कभी जो हमने पिछले स्लॉट्स में देखा कि कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट बहुत बैलेंस्ड में और मिक्स आए हुए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ पे प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आए हैं। फैमिली लॉ पे काफ़ी ही डीप में क्वेश्चन पूछे हुए थे पिछले स्लॉट्स में, उतने डीप में हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो मिक्स था। करंट अफेयर्स में यहाँ पे 4 से 5 ही क्वेश्चन थे, वो भी काफी ज्यादा इजी थे। ओलंपिक्स पे था, अवार्ड पे था। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल किसे मिला है उस पे अवार्ड था। उसके अलावा बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी की तो बहुत ही कम पोर्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी का हमें देखने को मिला है और बहुत इजी लेवल पे था। कुछ डेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कंप्यूटर के इन्वेंटर का नाम पूछा था जो लास्ट वाले स्लॉट में भी आया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें और देखें यहाँ पर तो हमें देखने को मिलता है कि लॉजिकल रीजनिंग जो है जो सभी स्लॉट में काफ़ी ईजी आया हुआ था, लॉजिकल रीजनिंग वो इस स्लॉट में भी काफ़ी ईजी आया हुआ था। ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते, एक दो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई है, पर ओवरऑल जो है लॉजिकल रीजनिंग काफी ज्यादा इजी था। पजल पे एक भी क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक कैलेंडर पे भी क्वेश्चन नहीं था। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते वो 2 आए थे। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स पे भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्लड रिलेशन के काफी इजी क्वेश्चंस थे, 4 ब्लड रिलेशंस के, किसी को 2 ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन की बात करें तो ये भी 3 से 4 आए हुए हैं। सिलॉजिज्म जो पिछले स्लॉट्स में नहीं आया हुआ था वो इस स्लॉट्स में हमें देखने को मिला है। एनालॉजी के भी 2 to 3 क्वेश्चन थे जो भी अपने आप में ईजी थे। इंग्लिश की बात करें तो सबसे बड़ा पोर्शन होता है ये 3 इयर्स में इंग्लिश का। इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट था। RC आए हुए थे, 2 RC थे जिनपे 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। एक्टिव पेसिव पे हमें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके अलावा वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, सिनोनिम्स मीनिंग एंटोनिम्स ये पूछे हुए थे। कम था नंबर दूसरे स्लॉट्स के कंपैरिजन में, लेकिन ये पूछे हुए थे। उसके अलावा कल दूसरे स्लॉट में 3 इयर्स के 3rd of August को जो दूसरा स्लॉट था इसमें हाइड्रोफोबिया का मीनिंग पूछा हुआ था, सेम थिंग रिपीट हुई है। सो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे सारे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और ये एनालिसिस। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स थे, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट थे और स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस भी आए हुए थे। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ओलंपिक्स में जेवलिन में गोल्ड किसे मिला है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। नीरज चोपड़ा को ये अवार्ड मिला हुआ है। उसके अलावा किरण बेदी को कौन से अवार्ड मिले हुए हैं ये पूछा था। तो इसमें रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार हम इसे कहते हैं, और नेहरू फेलोशिप इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। उसके अलावा मेरिटल रेप जो रिसेंट न्यूज में था ये कौन से IPC के सेक्शन में आता है। सो इसका आंसर है अगर हम देखें तो सेक्शन 375 में डेफिनेशन दी रहती है रेप की, और 376 जो इसमें पनिशमेंट है। तो मैरिटियल रेप के बारे में बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर इसमें 375 76 में से एक ही दिया हुआ है 76 का, तो फिर आपको 76 पे टिक करना होगा। अगर दोनों ही दिए हुए हैं तो 375 इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रोविजन में है ये पूछा हुआ था, वो रहता है आर्टिकल 360। उसके अलावा बलून में कौन सी गैस होती है, ये हीलियम या हाइड्रोजन होती है। गोवा की कैपिटल पूछी थी जो कि पंजी है। उसके अलावा महाराष्ट्र का टडोबा फॉरेस्ट के बारे में पूछा था, टडोबा फॉरेस्ट या नेशनल पार्क, इसका लोकेशन है चंद्रपुर महाराष्ट्र में। कंज्यूमर डे पूछा हुआ था। कंज्यूमर डे में इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि नेशनल कंज्यूमर डे जो है ये 24 दिसंबर को होता है, वहीं इंटरनेशनल जो है ये 15 मार्च को होता है। ह्यूमन राइट डे के बारे में पूछा था जो कि 10 दिसंबर को होता है। उसके अलावा भूदान मूवमेंट के बारे में पूछा था जो कि विनोबा भावे की तरफ से चलाया गया था। इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के बारे में पूछा था जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डे या कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन इनैक्ट हुआ था ये पूछा हुआ था, ये होता है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट इनेक्ट हुआ था। उसके साथ में कम इनटू फोर्स जो है
कमिंग टू फोर्स जो है ये हमें देखने को मिलता है 26 जनवरी 1950 में, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट जो कि अपना ये लास्ट स्लॉट जो है अगस्त 4th का सेकंड स्लॉट में एग्जाम दे रहे हैं, सबको बी एडुकेयर फैमिली की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, स्टे ट्यून्ड।